क्लास 9 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें विजुलाइज करना है 3.765 को नंबर लाइन पर। सबसे पहले अगर हम देखें 3.7 जो है, 765, ये किसके बीच में आ रहा है? ये आ रहा है 3.7 और 3.8 के बीच में। तो चलिए बना लेते हैं। जब हमें पता चल गया है कि ये जो नंबर है 3.7 और 3.8 के बीच में है, अब ये पता चल चुका है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे नंबर लाइन को 10 इक्वल डिवीजन में डिवाइड कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। तो इसमें इसको मैं लिख सकता हूँ पहले वाले को 3.7, तो पहले से ही है और ये हो जाएगा 3.71। देन 3.712, 3.73, 3.7 7 4, क्लास 9 नंबर सिस्टम चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमें 3.765 को नंबर लाइन पर विजुलाइज करना है। तो सबसे पहले विजुलाइज करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये किसके बीच में है। ये 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, तो यानी ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस नंबर लाइन को लेते हैं, एक लाइन बनाते हैं और ये फर्दर मैं 3.7 से 3.8 के 10 डिवीजन कर दूंगा इक्वल। और इस तरीके से यहाँ से अगर शुरू करूँ तो ये 3.7 के बाद 3.71 लिखा जाएगा और ये हो जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.76 पहले है। तो यानी अब मैं 3.76 को फर्दर और मैग्नीफाई करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं अगली लाइन में लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से 3.76। अब ये 3.76 जो है, 765, ये इससे छोटा है, सॉरी 3.765 इससे बड़ा है और किससे छोटा हो सकता है? ये 3.77 से छोटा हो सकता है। तो फर्दर मैं इस नंबर लाइन को 10 इक्वल डिवीजन करूँगा इसके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हो जाएगा 3.761, ये हो जाएगा 3.762, ये हो जाएगा 3.763, ये हो जाएगा 3.764, ये हो जाएगा 3.7 764, 3.765। तो ये देखिए, तो ये हमारा विजुलाइज हो चुका है। ये जो नंबर है ये हो जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा सा लिख देते हैं, और हमने इसको विजुलाइज कर लिया है कि एक्चुअली में इन दोनों के बीच में फाइनली यहाँ पे विजुलाइज होगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर टू एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 से हमें 4.26 बार को रिप्रेजेंट करना है, विजुलाइज करना है नंबर लाइन पर। 4.26 बार का मतलब है कि 26 जो है वो रिपीटेशन में है। ठीक है, अब इसको रिपीट करते हुए हम ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, मगर हम इतना विजुलाइज करेंगे कि कम से कम हम यहाँ तक जा पाएँ, 4 decimal places तक। इससे पहले मैं देखूँ, अगर मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँ, 4.26 जो है वो 4.2 और 4.3 के बीच में कहीं लाई करेगा। तो इसी तरीके से अब इसको हम क्या करते हैं, 10 फर्दर डिवीजन में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.2 के बाद 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड ये हो जाएगा 4.29। तो 4.26 मेरा यहाँ पर आ रहा है। तो अब 4.262 को देखूँ मैं, तो ये जो है 4.26 से बड़ा है, मगर 4.27 से तो छोटा होगा ना, तो ये यहाँ कहीं लाई करेगा। तो इसको मैं और मैग्नीफाई करूँगा, तो हम बना लेते हैं ये, तो ये हो जाएगा 4.27, जो कि इससे, ये जो है इससे छोटा है, और 4.26, तो ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, फिर दोबारा 10 डिवीजन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये हो जाएगा 10। तो इसके बाद से अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.261, 4.262, 4.263 एंड सो ऑन, इस तरीके से पूरा लिखेंगे। अगर हम देखें कि 4.262 तो यहां पर आ गया, और क्योंकि ये कंटिन्यू है पूरा, तो मेरा अब आगे का और नंबर ले लेता हूँ 4.26626। तो ये जो है नंबर है ये 4.262 से तो बड़ा है, मगर 4.263 से तो छोटा होगा ना, तो यानी ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा। तो फर्दर इसी तरीके से यहां पे लिख लेता हूं मैं 4.262 और यहां पे लिख लेता हूं मैं 4.263, क्योंकि ये इन्हीं के बीच में कहीं लाई करेगा 4.26 और 26। तो ये हो जाएगा 4.2621 और ये हो जाएगा 4.2622, 4.2623 ये हो जाएगा 4.2624, ये हो जाएगा 4.2625 एंड ये हो जाएगा 4.2626 एंड ये हो जाएगा 4.2627। तो ये जो नंबर है ये आ चुका है यहाँ पर। अब फर्दर अगर इसको और ज़्यादा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो इसको हम फर्दर आगे ना जाते हुए अगर हम जाएं भी, तो इसके बाद हमें 4.262 फिर दोबारा 2 लेना पड़ेगा, और 2 दिखाने के बाद फिर दोबारा 6 लेना पड़ेगा। इस तरीके से हम और ज़्यादा मैग्नीफाई करते हुए जाएंगे फर्दर। तो इसका हम लिख लेते हैं, और अगर मैं देखूँ 4.26262 ये कहाँ पर लाई करेगा, तो ये जो है इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो इसको लिख लेते हैं, फोर पॉइंट टू सिक्स टू सिक्स यानी हो जाएगा 4.2627। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा। तो ये इसकी शुरुआत होगी 4.26। हर बार हमें नंबर लाइन को 10 इक्वल डिवीजन में इस तरीके से डिवाइड करते हुए जाना है, और ये रिपीट करते हुए जाना है। 4.26261 ये लिखा जाएगा, ये हो जाएगा 4.26262, 4.26263 ये हो जाएगा 4.26264 ये हो जाएगा 4.26265। अब क्योंकि हमें 4.262 दिखाना था, तो वो इन दोनों के बीच में आ चुका है। अब फर्दर अगर और आगे जाना है हमें 4.26262 तो आ चुका है, और 6 भी दिखाना है। अब ये रिपीटिशन होता ही रहेगा, तो हम कितना आगे जाएंगे, तो हम यहाँ पर भी अगर इसको दिखा देते हैं फाइनल जवाब, तो यहाँ पर भी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये इसका तो विजुअलाइजेशन बढ़ता ही रहेगा, मगर हमारी कॉपी के अंदर लिमिटेड पेज होते हैं, तो कैसे हम दिखाएंगे, और टाइम भी होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो इसको बस 2 मिनट में कर दो, बात यहीं पर ख़त्म हो जाएगी।